दुर्ग में बीती रात मामूली विवाद के चलते नशे की हालत में हुई मारपीट की घटना में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए दो आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में बीती रात मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत युवक एक घर के सामने पसर गया था, जिसे देख घर पर रहने वाले युवक ने उसे हटाना चाहा। इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद नशे में धुत युवक पर भारी पत्थर पटक कर उसे मार दिया गया। आपको बता दें, जैसे ही मोहन नगर पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच पुलिस ने घटना में मृतक युवक की पहचान जोगेश सोना के रूप में की, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की। इस घटना में शामिल आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा एडिशनल SP अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी। ये बीती रात थाना मोहन नगर का मामला है। रात को लगभग 2:40 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि जो सिकोला भाटा बस्ती में एक व्यक्ति जो है वो पड़ा हुआ है। उसकी सूचना मिलने पे तत्काल पेट्रोलिंग वहाँ पे पहुँची और साथ ही सभी अधिकारियों को उसके बारे में सूचना दी गई। तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुँची और मृतक का पतासाजी किया गया, पहचान किया गया। मृतक वही सिकोला भाटा का रहने वाला योगेश सोना उसका नाम है निकला, और साथ ही उसका पता करने पर पता चला कि जिस जगह पे उसकी मृत्यु थी उसी के पास ही रहने वाला आरोपी है, जिसके साथ उसकी बहस हुई थी और बहस होने के बाद आपस में लड़ाई हुआ था उन लोग के बीच में, तो इसी दौरान पत्थर उठा के उसके सर पे मारने से उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, ऐसा कोई भी अभी पुराना बात नहीं है। तत्काल पे शराब के नशे में दोनों के बीच में कुछ विवाद है। 2:40 में वो नशे में पाया गया है, शराब पीते हुए की बात नहीं की गई है, नशे में पाया गया। और भी जो भी तथ्य आते हैं उसके बारे में विवेचना की जाएगी। फिलहाल अभी जो मेन व्यक्ति था जिसने हत्या की है वो अभी हिरासत में है और आगे पूछताछ की जा रही है किसकी, अगर सहयोग किया गया होगा किसी के द्वारा तो उस पर भी कार्रवाई। सिकोला भाटा की घटना है ये, आए दिन ऐसी घटना तो घटित होती ही रहती है। लोग मारा पीटी करते ही है, दारू पी के नशा करते ही है, नशाखोरी बहुत बढ़ गया पहले से। ये पहला मर्डर नहीं है, आप देखोगे दुर्ग में तो पिछले कुछ दिनों में कम से कम 10 से 15 मर्डर ऐसे हो चुके हैं। और यहाँ पे पेट्रोलिंग मोहन नगर थाना की जो एकदम सुस्त है, कभी पेट्रोलिंग के लिए कोई दिखता ही नहीं है। पता नहीं पुलिसकर्मी कहाँ रहते हैं। नशा इतना बढ़ चुका है कि आम जनजीवन इतना भयभीत हो गया है कि वो कैसे अपना जीवन रात में निकलने के लिए रहती है माताएँ बहनें। लोग पी खा के यहाँ पर छेड़ते हैं, सभी को परेशान करते हैं। ये घटना ना पहली है ना और आखिरी होगी अगर पुलिस इसी तरह निष्क्रिय अपनी निष्क्रियता रहेगा तो। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।